So hi everyone, this is me Priyansh Ranjan from IIT Kanpur this side, and you all know that J-Advanced is second most toughest exam in the world, whole world. So basically today we have a J-E topper who has scored, who secured 234 rank, All India 234, and currently he is in IIT Kanpur right now, and he is with us. So hi Madhusudan, kaise ho? Hello, badhiya. So quickly introduce yourself to my audience. ओके, तो मैं मधुसूदन हूँ. मैं मेरा रैंक AIR 234 था जे एडवांस में. मैं यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ, और मैं अभी कानपुर में CSE में बीटेक कर रहा हूँ. परफेक्ट परफेक्ट. तो मधुसूदन, वो कब था, वो पहला टाइम कब था जब तुमने जेई का नाम सुना है, तुमने डिसाइड किया कि मेरे को जेई में लाइक एग्जाम देना, मेरे को जेई ये क्रैक करना है? मैंने नाम तो 10th में सुन लिया था, बट इंटरेस्ट मुझे जेई को क्रैक करने में मेनली 12th से आया था. तो बेसिकली तुमने मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था. ओके फाइन, तो 11th में तुमने कोचिंग ज्वाइन किया एंड 12th में तुम्हें इंटरेस्ट आया. हाँ, मतलब मैंने कह सकते हो कि कुछ करना था 10th के बाद, सो आई जॉइंड अ कोचिंग. बट मेनली मैंने शुरू अपनी पढ़ाई 12th से करी है, 11th में मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की. ओके फाइन फाइन, तो एक तरीके से तुम्हारी 11th बर्बाद थी, इसके ऊपर भी बात कर सकते हो. ओके फाइन फाइन फाइन, तो जब तुमने स्टार्ट करा अपनी जेई की प्रिपरेशन, तो कौन से कोचिंग में तुम इनरोल्ड थे, फिर क्या क्या बुक्स तुमने उस टाइम पे लगाए लाइक जेई के, जेई को क्रैक करने के लिए? तो मैं ग्वालियर से हूँ. ग्वालियर में एक कोचिंग है शिखर क्लासेस, एक ही ब्रांच है, एक ही कोचिंग है. ओके, तो मैंने 11th में मेनली बुक्स लगाई थी, जैसे कि सेंगे, एससी वर्मा, इरोडो. बट मेरे को 12th में रियलाइज हुआ कि जेई के कोर्स के लिए बुक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स और PYQs हैं. बट तो मैंने 12th में जब अच्छे से पढ़ाई करी, तो मैंने बुक्स को लगाना बहुत अवॉइड किया. तो 11th में तुमने बुक्स लगाई थी सिंगेज और एससीबी वगैरह, एससीबी का तो मेरे को समझ नहीं आया, बट सिंगेज चिल है. ओके फाइन, तो उसके बाद तुमने मॉड्यूल्स पे फोकस किया एंड PYQs वगैरह पे. हाँ, मैंने 12th में मेनली सर की जो नोट्स है उन पर फोकस किया, जो मेरे को लगा कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब मैंने एडवांस का पेपर दिया था, तो ऐसा लगा था कि सब कुछ क्लास नोट से ही है, बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे सब क्वेश्चंस, ऐसे कुछ हड़बड़ी नहीं हुई. ओके फाइन, तो तुमने बेसिकली स्टार्ट ही प्रिपरेशन करी, सिर्फ एक साल ही प्रिपेयर करा 12th के साथ ही तुम आए ना यहाँ पे, या फिर ड्रॉप वगैरह लिया था? नहीं नहीं, 12th ही, 11th 12th में ही पढ़ा बस. ओके फाइन, तो तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि PYQs ज्यादा इंपॉर्टेंट जेई मेंस के लिए है या फिर एडवांस के लिए? एडवांस में कितना रोल होता है PYQs का, एंड मेंस में कितना रोल होता है, वो तुम अपने साइड से बता सकते हो? ओके, मतलब मैं अगर एडवांस के PYQs और नोट समझ आ रहे हैं, तो मेंस के PYQs विल बी इजी. मैंने मेनली मेंस के PYQs मेंस के एक महीने पहले ही लगाए थे, एंड बहुत फास्ट लगाए थे, मतलब हाल खत्म कर दिए थे. और मेनली मेरे ख्याल से जब चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसके साथ एडवांस के PYQs सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस के PYQs, अगर एडवांस आपका मेन गोल है, तो मेंस के PYQs में फोकस करने की जरूरत नहीं है. वो लास्ट के एक महीने दो महीने के लिए छोड़ दिया तुमने मेंस के लिए, एडजस्टमेंट से पहले तुमने लगाया था. परफेक्ट परफेक्ट, एंड उससे कितना हेल्प हुआ था? मेंस के PYQs मैंने बेसिकली टेम्परामेंट और स्पीड बढ़ाने के लगाए थे. मैं को अपनी स्पीड बढ़ानी थी, और एक पॉइंट पे स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक घंटे में खत्म हो जाती थी मेंस की, तो एंड मैथ्स में काफी टाइम मिल जाता था. ओके फाइन, कितने घंटे तक दे पाते थे अपने सेल्फ स्टडी को एक दिन में, 24 आवर्स में? तो मेरा स्केड्यूल में हमारी सुबह से 6-7 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी, 6 बजे चले जाता था मैं कोचिंग. ओके, और फिर 1-2 बजे तक चलती थी, एंड देन मैं बस खाना खा के सीधा कोचिंग आता था और पढ़ता था.
मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था आवर्स की इतने आवर्स पढ़ना, मैं पढ़ता ही रहता था मेनली एंड के टाइम तो ऑलमोस्ट कितने आवर्स हो जाते होंगे ऑलमोस्ट दिन के सेल्फ स्टडी के कितने आवर्स हो जाते होंगे सेल्फ स्टडी के आई थिंक एटलीस्ट 4 आवर्स एटलीस्ट 6 4 टू 6 ओके फाइन 4 टू 6 एंड देन कोचिंग के ऐड करके 10 से 12 घंटे तुम डेली के पढ़ लेते थे हां कोचिंग ही लगभग 6 से 8 घंटे निकल जाते थे कोचिंग पे ओके फाइन तो वो 14 हो गए 12 to 14 आवर्स तुम पढ़ते थे ओके फाइन एंड इससे पहले कि मैं मधुसूदन के साथ इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ू मैं तुम्हें बताता हूँ कि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया प्लीज कोई एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक बता दो जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए एंड उसके बाद मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखी सही में बता रहा हूँ बहुत सारी बुक्स देखी एंड जो मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगी वो लगी पीडब्ल्यू की प्रीवियस ईयर कॉम्बोज की बुक इसमें तुम्हें 47 ईयर्स की प्रीवियस जेई एडवांस की पेपर्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ पिछले 6 साल के जेई मेंस पेपर्स मिल जाते हैं विथ सॉल्यूशंस आंसर की रहेगा एंड उसके डिटेल तुम्हें एनालिसिस करके मिल जाता है साथ ही साथ इसमें तुम्हें जेई मेंस 2024 के जितने भी जेई मेंस के पेपर हुए थे उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं एंड दो चार चीजें मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी वही एक तो वीडियो सॉल्यूशंस वाला एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स रियली रियली हेल्प करते हैं इस इंटरव्यू से भी तुम्हें पता चल पाएगा कि प्रीवियस ईयर कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ऑब्वियसली बिना प्रीवियस ईयर के कुछ नहीं हो पाएगा प्रीवियस ईयर तुम्हें करना ही पड़ेगा एंड ये बुक पूरा ही बेस्ट है प्रीवियस ईयर पे तो मेरे को ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि ये तुम्हें बताना चाहिए एंड ये तुम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड अगर तुम इसे पीडब्ल्यू स्टोर से लेना चाहते हो तो तुम वहां से ले सकते हो उसमें तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो PR150 एंड उसे यूज करने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा तो गो एंड चेक आउट द बुक इट्स रियली गुड बुक तुम अगर कॉम्बो प्रीफर नहीं करते तो तुम इसके जेई मेंस के अलग अलग बुक्स भी ले सकते हो करेंटली दिस बुक इज विथ मी देख सकते हो पीडब्ल्यू की तो इसमें कॉम्बो के अलावा भी बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं जिसमें तुम्हें सिर्फ जेई मेंस की रहेगी लाइक 6 ईयर्स के पूरे जेई मेंस के पेपर्स रहेंगे इसमें एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस बुक इट्स रियली हेल्पफुल तुम्हें 1 साल के पूरे पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जा रहे तो इट कांट गेट बेटर विद दैट नाउ लेट्स गो विद द इंटरव्यू तो तुमने 11th जो तुम्हारी 11th खराब हो रखी थी उस 12th के साथ 11th को कैसे मैनेज करा बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है जो 11th बहुत लोगों की खराब रहती है ऑब्वियसली लोग मजे में लेते हैं लाइक 12th में पढ़ाई कर लेंगे बट लोग नहीं कर पाते तो वो लोग कैसे कर पाए 12th के साथ 11th को कैसे मैनेज कर पाए मतलब मेरा 11th बर्बाद नहीं था मुझे समझ आता था बस मेरे नंबर नहीं आते थे और मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी मतलब 11th का मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ था एंड ऐसा था हमारे टीचर बहुत ही अच्छे थे कि उनका वो ऐसा करते थे कि हर चीज को धीरे धीरे कॉमन सेंस बना देते थे तो वो जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वो कभी कभी पुराने टॉपिक्स को भी रिवाइज करा देते थे और पूरा अच्छे से कराते थे तो वो ऐसा हुआ था कि 12th के एंड तक आते आते 11th का हर कुछ जो भी पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कॉमन सेंस बन गया था परफेक्ट तुम उन टीचर का नाम ले सकते हो ऑब्वियसली ही विल गेट सम एप्रिसिएशन ही डिजर्व दैट राइट बिल्कुल वो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं मेरे फिजिक्स के टीचर थे मिस्टर महेश कुर्मी सर मेरे केमिस्ट्री टीचर थे तिवारी सर एंड मेरे मैथ्स के टीचर थे जिंदल सर तीनों बहुत ही अच्छे टीचर जिंदल निशान जिंदल नहीं नहीं नॉट देम ओके फाइन तुमने किसी जेई टूर को फॉलो किया था यूट्यूब पे लाइक जब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तुम प्रिपेयर कर रहे थे नहीं राइट मैं को जनरली बताऊं तो यूट्यूबर्स की एडवाइस बहुत ही गलत लगती थी हां जैसे टीचर को निशान जिंदल फॉलो बोला आपने मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी एडवाइस वेट 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 मैं पहले क्लियर कर देता हूँ मेरी कोई बात नहीं हो रही कि पहले निशान जिंदल के बारे में मधुसूदन से बिल्कुल ही इज व्हाट इज सेइंग ही इज दैट्स हिज पर्सनल ओपिनियन राइट मतलब तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने एक जनरली एक वीडियो बनाया था उनके मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए लेटेस्ट वीडियो बनाया था एंड वो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए थे वो काफी डिफरेंट टॉपिक है तो I got call from Nishant Jindal and he said that ki, could you please delete that video and that's some अच्छा sort of controversy right yeah. So it's fine let move ahead so जब तुम स्टडी करते थे तो तुम क्या प्रीफर करते थे लाइक लेट नाइट स्टडी या फिर दिन में स्टडी करना प्रीफर करते थे मुझे जल्दी उठना होता था कोचिंग के लिए तो मैं एटमोस्ट 10 बजे तक ही पढ़ता था मैं कोशिश करता था क्योंकि जल्दी उठना है तो 8-10 बजे तक खत्म करो सब एंड क्या वो चीज उस चीज में काम करती है ऑब्वियसली क्योंकि अपन जब
जेक एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वो दिन में एंड दोपहर में होता है, राइट? बस सुबह एंड दोपहर में. तो जो लोग दिन में उस टाइम पे सो रहे होते हैं 9 to 12, ऑब्वियसली कोई अगर 4 बजे तक पढ़ेगा तो 7 घंटे की नींद ले रहा, तो सुबह 11 बजे तक सो रहा होगा, तो मान के चलते हैं उस चीज को, तो वो उसकी माइंड उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगी सुबह के टाइम पे जब वो एग्जाम दे रहा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि 1 साल का जो आदत रहता है वो एक दिन में नहीं जाता, राइट? तो हाँ क्या उस चीज को भी कंसिडर करते थे तुम कि लाइक मेरे को दिन में उस टाइम पे तो एटलीस्ट 9 से 12 के टाइम पे तो एटलीस्ट अवेक रहना है और अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाना है? बिल्कुल। 9 से 12 बिल्कुल. तो हमारी कोचिंग क्लासेस ही रहती थी, और एंड में हम लोग के मॉक जब होते थे तो हम स्ट्रिक्टली 9 से 12 मॉक देते थे, फिर वही 2 से 5 हम मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते थे एंड जब तुमने जिससे आदत लाइक लगे। ओके फाइन, जब 11th में तुमने कोचिंग ज्वाइन करी, तो लाइक ये क्या तुम्हारे पेरेंट्स के साइड से बोला गया था कि लाइक जेई की तैयारी करो, या फिर तुमने खुद से ऐसा डिसाइड किया कि नहीं मेरे को करना है? 10th में तुमने जेई की नाम सुन रखी थी. मैंने जेई का नाम सुन रखा था, बट मैंने मेनली ज्वाइन पेरेंट्स की वजह से किया है। उन्होंने ही मेरे को रेकमेंड किया था कि यू शुड ज्वाइन दिस कोचिंग ओके फाइन फाइन एंड फाइन. स्टडी तो फॉर जेई। क्लास 10th में तुम्हारे किस टाइप के रिजल्ट रहे? लाइक तुम एक एवरेज स्टूडेंट थे या फिर अबव एवरेज थे या फिर ब्रिलियंट थे? आई होप कि तुम ब्रिलियंट मैं हो रहे होगे. ब्रिलियंट तो नहीं था, मैं ब्रिलियंट तो नहीं था। मतलब अपनी क्लास में मैं सेकंड आया था, बट ऐसे मैं कोई ब्रिलियंट बच्चा नहीं था, बहुत ही एवरेज था, ऐसे कुछ खास नहीं था रिजल्ट शेयर टू कर बी सकते हो क्लास ऑनेस्ट। टेंथ का अगर तुम करना मेरा चाहो तो? क्लास 10th में 90.8% है। ओके फाइन फाइन, दैट्स एवरेज, दैट्स एवरेज. तो एंड उसके बाद तुम्हारी की रिडेम्पशन कैसे हुई? लाइक 90% से फिर ऑल इन रैंक 234 की एक जर्नी अगर तुम समराइज करना चाहो टाइम स्टैम्प के साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा. ऑल राइट, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 11th में पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था जेन्युइनली। मतलब मैं बेसिकली पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ रहा था, बट 12th में मेरा ये जो मेंटालिटी है वो चेंज हुई। मेरा ये था कि इफ आई हैव टू स्टडी आई हैव टू गेट द बेस्ट इन इट। मतलब मेरा ये था कि आई नो दैट आई हैव टू स्टडी दिस ईयर, सो व्हाई नॉट डू माई बेस्ट। एंड मैंने मतलब ये नहीं सोचा कि मैं पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ या ये पढ़ रहा हूँ, मैंने सोचा मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, मेन वो मेरा था। अभी तक मैंने फोर्सफुली स्टडी किया था और अब मैं फिर खुद के लिए पढ़ रहा था 12th में। तो तुम्हारे जब जेई मेंस जब आए तुम्हारे एंड तुमने पीवाईसी लगाया एंड जनवरी के जेई मेंस में क्या सीन था? लाइक कि तुमने कितने अटेम्प्ट करे, कितने सही हुए, क्या परसेंटाइल बनी, ऑल दोस थिंग्स. अटेम्प्ट हमारा ऐसा था कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, मेन सोचा है एडवांस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो मेरे वो हाँ ऑब्वियस है ना, जब तो किसी की ऑल मेरी रैंक 234 आ रही तो वो तो सारा अटेम्प्ट कर रहा ना, ऑब्वियसली. तो मेरा मेंस जनरली बिगड़ गया था, मेरे को रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मेरे 99.968% आई थी, बट रैंक मेरी 645 थी, और मेरे को पता था कि मैं इससे बहुत बेटर कर सकता था ऑब्वियसली. तो डेफिनेटली। हाँ तो फिर तुमने मतलब सेकंड सर जेई मेंस भी अटेम्प्ट, ओके, क्या क्या बोल हाँ रहे थे? मतलब सर भी ये कह रहे थे कि यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी, तो यही तुमने था सेकंड जेई मेंस का। तो मेंस अटेम्प्ट करा या फिर रहने दिया, एडवांस पे फोकस करा? करा और करा जेई मेंस अटेम्प्ट सेकंड, और सेकंड वाला मेरा और भी बुरा गया था। ओह सेट, मेरी वो सेकंड वाले में 99.8% आई थी। ओके फाइन. तो वो बोर्ड्स की वजह से हुई होगी आई गेस, बीच में बोर्ड्स आ जाते हैं ना अपने 2 साल के 2 महीने के, छह मेरा एक्चुअली एमपी बोर्ड था, और मेरा ऐसा था कि दिन में मेरे खत्म. फर्स्ट मेंस के हाँ मेरा फर्स्ट मेंस के जस्ट बाद मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, ओके और मैंने सिर्फ मेंस पे ही फोकस किया था तब तक, और 3 दिन में मेरा हिंदी का एग्जाम था जो मैंने ओके पूरे ओके 2 साल से नहीं पढ़ी है ओके तो ओके. तो बहुत तुम स्ट्रेस हिंदी था मीडियम बोर्ड्स से थे, में। राइट? नहीं एमपी बोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। अच्छा, ऐसा क्या? तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए बोर्ड्स के एंड उसके बाद फिर से तुमने जे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी या फिर एडवांस पे हाँ चल गए? मैंने उसके बाद मतलब हमारी मेरा मेन फोकस वैसे एडवांस था, बट हमारी कोचिंग जेई मेंस का भी रिवीजन करा रही थी, उस पर फोकस करना पड़ा था। ओके फाइन फाइन फाइन. 12th में तुम्हारे फिर कितने परसेंटेज बने थे? लाइक 12th की क्या रिजल्ट रही थी? वेल 12th में मेरा 92.8% बना है। एमपी बोर्ड में आई गेस वो बहुत अच्छा होता है, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसमें जनरली कम बनते हैं, राइट? मतलब सीबीएसई सीबीएसई वगैरह से तो. आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग कहते हैं इजियर होता है, बट मैं ऑनेस्टली बोर्ड्स के रिजल्ट का बिल्कुल भी केयर नहीं किया था मैं कोई नहीं जेई पे करता. फोकस था। ओके फाइन.
तो उसके बाद फिर जेड जेई मीन्स सेकेंड जेई मीन्स से, एंड फिर वो जो जे एडवांस की प्रिपरेशन थी वो कैसी रही थी तुम्हारी? लाइक वो उसमें तुमने क्या क्या करा था, क्या क्या अटेम्प्ट करी थी, कोई टेस्ट सीरीज अलग से जो तुमने लिया हो उस टाइम पे, परचेज करी हो एंड उसको सॉल्व किया हो जिससे फायदा मिला हो जे एडवांस में, कुछ ऐसा? मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी। कोचिंग के मैंने ही मॉडल्स मैंने फॉलो करी? यह किया कि नहीं, मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए 2010 से लेके 2022 तक के, ओके 22 23 तक ओके के, और मैंने उनको पूरा प्रॉपरली ऐसा करते थे, मैं और मेरा एक दोस्त है वो हम पूरा पेपर सॉल्व करते थे ऑनलाइन सीबीटी, और उससे हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टेम्परामेंट बिल्ड हुआ और बहुत वो एडवांस का फील आया कि कैसे ओके क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो तुम खुद को कितना लाइक कॉन्फिडेंस लाइक तो एक कॉन्फिडेंट होता है ना कि लाइक आई एम 100% प्रिपेयर्ड और आई एम 90% प्रिपेयर्ड फॉर जे एडवांस। जे एडवांस के एग्जाम से जस्ट पहले जब तुम सेंटर पे पहुंच चुके हो, आधे घंटे में एग्जाम स्टार्ट होना है, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरे दोनों मेंस में ये हुआ था कि मेरे हाँ सर ने मुझसे बोला था कि जनरली जो मार्क्स हैं उनसे अच्छे मार्क्स आते हैं और मेरे ओके ओके बुरे मार्क्स आए थे, तो मैं एडवांस में ये डर था कि मेरा बस पेपर बिगड़े ना, जो नहीं बिगड़ा ठीक ही गया, मेरा जैसा जाता था तो मैं चलूँ वैसे तो, बट हाँ मैं वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि फिर से मेंस वाला दिक्कत ना हो जाए। तो लाइक फर्स्ट पेपर जनरली इजी आता है एंड सेकंड पेपर जो शाम वाला पेपर होता है वो जनरली टफ होता है, ये तो लाइक ये तो जनरल नॉर्म है जो सभी हाँ जानते हैं। तो लाइक फर्स्ट पेपर के बाद तुम कितने कॉन्फिडेंट थे कि अभी तो सही है, अभी तो मेरे ऑल इंडिया रैंक 250 के अंदर तो आ रही है, इतना तुम्हें फील हो गया था या फिर क्या फील हुआ था लाइक उस टाइम तक? मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया था, मुझे ऐसा लगा था मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया हूँ, एंड बट मुझे ये डर था, और जो डर सही निकला कि वो पेपर सबके लिए इजी है, मैं चाहता था कि हार्ड पेपर है तो उससे जो पढ़ने वाले बच्चे को उसको फायदा होता है। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था जेन्युइनली, बट वही डर था कि ऑब्वियसली पेपर वो थोड़ा इजी इजी है आया तो था। सबका अच्छा जाएगा। या हाँ इजी आया था ऑब्वियसली, 99.86% अगर कोई बंदा स्कोर कर पा रहा है जे एडवांस में टॉपर, तो ऑब्वियसली पेपर इजी था एंड इसके कट ऑफ फिर काफी हाई गए थे। ओके फाइन, तो फिर उसके बाद तुमने सेकंड पेपर अटेम्प्ट किया। तुम्हारा लाइक फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करने के बाद घर वाले पूछते हैं ना लाइक कैसा गया पेपर, सही गया था नहीं गया था, उस टाइम पे क्या करना होता है? लाइक अपन जनरली वो सब अवॉइड करते बात करना कि कैसा पेपर गया था कैसा नहीं गया था, उसका सेकंड पेपर फोकस करते। तुम्हारा क्या चल रहा था उस टाइम पे? तो उस समय ये चल रहा था कि मेरे सर लोग भी वहीं पे थे तीनों, तो मैं सबसे पहले तो उनसे मिला और मैंने उनको एक बहुत अच्छी सी स्माइल देके कहा कि बहुत अच्छा गया सर पेपर। तो मतलब ऐसा है कि सर से मिलके बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और बहुत खुशी मिलती है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो उनसे मैं मिला मेनली, फिर पेरेंट्स से मिला और उनको भी बताया कि पेपर अच्छा गया, जिससे स्ट्रेस वाला माहौल आ रहा है कुछ ही। ओके फाइन। तो उसके बाद तुम्हारे दोनों पेपर कंप्लीट हो गए, दूसरा पेपर ऑब्वियसली तुमने दिया एंड वो भी बढ़िया ही गया ऑब्वियसली, तभी 234 रैंक आए तुम्हारे। उसके बाद जब तुमने मार्क्स मिलाया लाइक जब जब मार्क्स जब आंसर की रिलीज करती है जे जे की तरफ से जब आंसर की रिलीज होता है, इस बार आईआईटी मद्रास लिया था आई गेस राइट? हाँ तो आईआईटी मद्रास ने मेरे जब आंसर की रिलीज किया तो तुमने जब पेपर मिलाया तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे? 278 नंबर आए थे और 278 ही आए रियल में। ओके फाइन। तो जब तुमने दोनों पेपर दे दिए तुम्हारे मार्क्स आ गए 278 एंड तो तुम्हारे फैमिली को पता तो चल गया होगा कि ऑब्वियसली यू आर गेटिंग सम गुड गुड ब्रांच इन सम गुड आईआईटी राइट? तो क्या चल रहा यस था वो फील कि लाइक आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा या फिर आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर से खुश रहना पड़ेगा? मेरा ऐसा था कि जब मैंने मार्क्स मिलाए थे और फिर मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक चेक किया, तो मैं इन ऑलमोस्ट वेरी श्योर था कि अंडर 200 आ जाएगी, ओके बट स्लिप कर गया तो थोड़ा, हाँ बट चिल है आई एम चिल। वेरी हैप्पी। मैं आईआईटी मद्रास तो वैसे भी नहीं लेता, आईआईटी कानपुर ही आता। ऑब्वियसली वो मद्रास में थोड़ा वो होता है ना क्लाइमेट और लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा उधर रह जाता है लैंग्वेज क्योंकि बैरियर ऑब्वियसली बहुत लोग उधर साउथ के या फिर टीचर भी रहते हैं। ओके फाइन। तो ये लाइक पेरेंट्स का क्या था रिजल्ट के बाद, पेरेंट्स का क्या लाइक सीन था? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, जेन्युइनली बहुत खुश थे, मुझसे ज्यादा बहुत खुश थे वो, और उनकी खुशी देख के मैं भी बहुत खुश हो गया था, और वही मेरे को मैटर करता था सबसे। मेरा 11th में
मैं आपको बताया कि उसलिए ही पढ़ता था, उसलिए मेरे पढ़ता पेरेंट्स ऑब्वियसली। पढ़ा रहे हैं। हाँ तो मैं बहुत खुश था। ओके फाइन, तो कुड यू नेम थ्री मिस्टेक्स और फाइव मिस्टेक्स अगर तुमने ना की होती तो योर रिजल्ट कुड हैव बीन बेटर। आई डोंट थिंक आई मीन इससे भी कुछ बढ़िया होता है, वही दो दो हाँ दो 230 लोग जो तुमसे ऊपर रहे वही हो सकता है तुम्हारे लिए उससे बेटर। तो बट कुछ भी मिस्टेक्स जो तुमने करे हो अपने जेई कैरियर के टाइम पे। हाँ तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है कि इलेवेंथ पर केमिस्ट्री बात रोज करना। रिवाइज ना करना। केमिस्ट्री ओके रिवाइज ना करना, मैं केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज रिवीजन की जरूरत है। सबसे ज्यादा मेरे कम नंबर उसमें ही आए वैसे, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रिवाइज करना हर लेक्चर के बाद। ओके okay. दूसरा मिस्टेक, कुछ मॉक्स के बाद डिप्रेस हो जाना, मतलब अगर नंबर कम आए तो। ओके वो okay. मॉक हार्ड होगा, अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस मॉक में अच्छा है तो इसमें खराब आए, मॉक का लेवल भी डिफरेंट होता है। तो मैं बिल्कुल बहुत डिप्रेस हो बिल्कुल जाता था और वो नहीं होना चाहिए था, वो मेरी पढ़ाई को खराब करता है। ओके और तीसरी चीज जो मैंने मिस्टेक सुधार ली, सबसे बड़ी मतलब जरूरी चीज है कि आपकी संगत अच्छी हो। मतलब ओके अगर आपके दोस्त विलिंग होंगे पढ़ने के लिए और आपकी तरह लाइक माइंडेड, मतलब कि हमें कनकर करना है, हमें अच्छा करना है बहुत, ऑब्वियसली ऐसे ऑब्वियसली होंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। मेरे पुराने जो दोस्त थे देवर नॉट लाइक दैट, मतलब देवर लाइक कि बस अच्छा हो चीट जाए, थोड़ा सा हो करते। जाए चलेगा। हाँ ओके फाइन। तो एंड कुछ सम डिस्ट्रैक्शन के कुछ लाइक वो चीज जो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट करती हो पेरेंट्स को। मेरे को पता तुम क्यों हंस रहे बट चिल है, बता सकते हो। देखो फोन एडिक्शन मेरे को बहुत था, और इसलिए मैंने जेई के ओके टाइम पे छोड़ा था फ्रेंड। मैं मेरे को फोन ओके एडिक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए मेनली 11th में नहीं पढ़ा था फोन एडिक्शन। तो तो गेम वेम खेल लेते क्या, पबजी वगैरह नहीं, कुछ ऐसा? इट्स लाइक यूट्यूब शॉर्ट स्क्रोल करना ओके बहुत ज्यादा, यूट्यूब पे सर्फ करना, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह। ओके फाइन फाइन फाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस इंटरव्यू। एंड आई होप कि तुम्हारा जैसा जेई गया था वैसा ही आईआईटी का भी लाइफ हो ऑब्वियसली। एंड एक चीज हाँ कि लोग उधर बोलते थे टीचर की पढ़ना नहीं पड़ता, इधर भी पढ़ना पड़ता। एंड आई होप तुम बेटर कर पाओ जेई में भी। ओके फाइन, थैंक्स मधुसूदन फॉर योर इनसाइट्स, योर सच रियली हेल्पफुल इनसाइट्स। एंड ओके फाइन। हाय एवरीवन, तो देखा तुमने कितना ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो था, कितना ही ज्यादा हेल्पफुल इंटरव्यू था। आई थिंक मधुसूदन ने काफी बढ़िया जॉब किया राइट। तो तुम भी बताओ तुम्हें अपने जेई प्रिपरेशन में और क्या चाहिए, और क्या तुम अपने अगले एपिसोड में अपने उस टॉपर से पूछना चाहोगे जो कि मैं इस वीडियो में मिस कर दिया, तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ये पूरी एक सीरीज होगी जिसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स से बात करूंगा। कुछ ऐसे भी आइटम्स होंगे जो कि जिनके रैंक 1,000 से 3,000 के बीच में आई होगी या फिर उससे भी ज़्यादा 4,000 तक आई होगी, वो भी काफ़ी बढ़िया इंसाइट दे पाते हैं ऑब्वियसली। एक एवरेज स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करता था एंड वो IIT तक कैसे क्रैक कर पाया वो तुम्हें पता चल पाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिली होगी, आई होप सो। एंड अगर तुम्हें बढ़िया लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। And we'll meet in next video. Thank you. Who the style's the most? Toast like bread inside your head, ear to ear.